गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का पहला पार्ट, फर्स्ट यूनिट आपकी 11th क्लास का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड में हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको स्टडी करना है हमने, और मेजरमेंट करना है हमने उनका। तो फर्स्ट है, साइंस है क्या चीज? फिजिक्स है जो आपका वो साइंस का पार्ट है। तो साइंस क्या है? जो नॉलेज आपको किससे मिला है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से, क्या करके, सिस्टेमेटिक ढंग से एक्सपेरिमेंट करके। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं पहले, फिर उन एक्सपेरिमेंट से जो भी ऑब्जर्वेशन आए और जो भी कंक्लूजन निकले, उनके निष्कर्ष निकले, उनको हमने एक बुक में लिख दिया, और उस नॉलेज को हमने किसका नाम दिया है? साइंस का। मैंने यह साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया आपका। बायोलॉजिकल साइंस, इसमें हम किसको स्टडी करेंगे? लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे। और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। पार्ट है इसके आपके बायोलॉजिकल के, जूलॉजी बॉटनी है, फोरेंसिक साइंस है, ये क्या आपकी बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है आपकी, एस्ट्रोलॉजी है आपकी, दीज आर दी फिजिकल साइंस के पार्ट है आपके। इसके बारे में ज्यादा ना पढ़ के हम फिजिक्स पे चलते हैं। फिजिक्स क्या है आपकी? आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है, फिजिक्स में आपने लाइट के बारे में पढ़ा, रेनबो के बारे में पढ़ा, उसमें आई के बारे में पढ़ा, मैग्नेट के बारे में स्टडी किया हमने। तो फिजिक्स में हम किसको स्टडी करेंगे? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? नेचर को, यानी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे हम। और प्रकृति में जो जो आपके फिनोमिना होती है, घटनाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। नेचुरल फिनोमिना जैसे आपका रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, टेलीस्कोप का यूज करते हैं हम, कैमरे का यूज है आज के टाइम पे, टीवी का यूज है आपका, तो कैसे इनका यूज होता है आपका। फिजिक्स आपके दो नॉलेज है फिजिक्स के आपके, एक को क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया गया है, दूसरे को आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। क्लासिकल फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, यानी जो आपके ज्यादा मास की बॉडी से या बड़े साइज की बॉडी से रिलेटेड है आपके, उन फिनोमिना को स्टडी करेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स में। फिर क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? उन पार्टिकल को स्टडी करेंगे जो बहुत छोटे हैं आपके, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, एटम है, न्यूक्लियाई है आपका, और उनके इंट्रैक्शन है कि इलेक्ट्रॉन के टकराने से क्या इफेक्ट होगा, प्रोटॉन बीटा पार्टिकल, ठीक है, इनको हम किसमें स्टडी करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में। वैसे नॉलेज के बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया है आपका। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो आपका पुराना नॉलेज था फिजिक्स का, 1900 से पहले का जो नॉलेज था आपका, अगर हम एयर में बात करें तो 1900 से पहले तक जो रिसर्च हुई आपकी या जो नॉलेज हुआ फिजिक्स का, उसको क्लासिकल का नाम दिया गया। और एक मॉडर्न फिजिक्स, जो क्वांटम है आपकी, वो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। 1900 से बाद का जो नॉलेज आया आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में, उसको किसका नाम दिया गया आपका? मॉडर्न फिजिक्स का। और क्वांटम आपकी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है आपका। तो वैसे अगर आपने नॉलेज के लिए याद रखना है, क्लासिकल फिजिक्स, नॉलेज ऑफ फिजिक्स, अप टू 1900, और दूसरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स, नॉलेज ऑफ फिजिक्स बियॉन्ड 1900, 1900 के बाद का जो मास तक पढ़ रहे हैं वो क्या है आपकी? मॉडर्न फिजिक्स है। अब इसमें फिजिक्स के आपके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये तो उसके बेस पे बता कि हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं या फिर आपके माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं। अब है वो ब्रांच आपकी जिनमें हम किस ब्रांच में मैग्नेट को स्टडी करेंगे, किस में चार्ज को, किस में लाइट को स्टडी करेंगे, किस में हम
लाइट को स्टडी करेंगे तो उन चीजों का क्या हाफ को उसमें सब पार्ट दिए गए हाफ पे और वो हाफ पे तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका सब पार्ट से फिजिक्स। फिजिक्स के सब पार्ट कौन कौन से हैं? मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी। तो इसमें आपका मैकेनिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट जो आपके ज्यादा मास के है या जिनका साइज बड़ा है उनको स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में लाइट को स्टडी करेंगे कंप्लीटली, लाइट इसके फिनोमिना, इसके जो भी नियम है, लॉज है। थर्मोडायनेमिक, थर्मो किससे रिलेटेड है? आपकी हीट से। इसमें हम किसको स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक में? वी स्टडी द हीट एंड इट्स कन्वर्जन इन डिफरेंट फोरम। हीट को और हीट का जो कन्वर्जन है डिफरेंट फोरम में, हीट एनर्जी से जो दूसरी एनर्जी में चेंज हो गई है उनको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक में चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक पार्टिकल्स का या बॉडीज का, चार्ज और मैग्नेटिक बॉडी के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को स्टडी करेंगे। जैसे अगर चार्ज पार्टिकल है आपका, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर वो आपका मोशन में है तो उसके कारण करंट भी फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। ऐसे ही मैग्नेट्स को भी स्टडी करेंगे हम। क्वांटम मैकेनिक्स बता था पहले भी आपको, ये जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बहुत छोटे हैं उनको स्टडी करेंगे हम। रिलेटिविटी, स्टडी ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं कि जब किसी पार्टिकल की स्पीड आपकी कंपेरेबल हो जाती है किसकी स्पीड के, लाइट की स्पीड के, तो उसका मास क्या है चेंज हो जाएगा। अब तक तो हमें क्या पढ़ा है कि मास की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन अगर किसी पार्टिकल या बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है, थोड़ी बहुत कम उससे, तो उसका मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा, विल इंक्रीज। मास क्या होगा उस बॉडी का या पार्टिकल का, इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है फिर आपका फिजिक्स की एप्लीकेशन क्या है, कहां का यूज करते हैं इसको, हम वो पढ़ते हैं अब। तो फिजिक्स की एप्लीकेशन सही यूज है बहुत ज्यादा है आपके, बहुत ज्यादा एरिया है इसका आपका, यानी छोटी से छोटी चीज को हम स्टडी करते हैं और बड़ी से बड़ी तक, जैसे सैटेलाइट आपके यूनिवर्स है उसको स्टडी किया जाता है आपका। छोटी से छोटी हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करे हैं, इसमें एटम है, न्यूक्लियस को स्टडी करे हैं हम इसमें, तो इसका आपका स्कोप क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा एरिया है इसका आपका। तो फिर इसके एप्लीकेशन आपकी यूज है या फिजिक्स की क्या देने हैं आपकी, आज के टाइम पे जो हम एसटीडी फैक्स का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हैं, पहले लैंडलाइन फोन आए, टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिजिक्स का एरिया और बढ़ा, और क्या यूज किया हमने, मोबाइल फोन्स यूज किए। आजकल पूरी दुनिया आपके मोबाइल में बंद है, मोबाइल में बंद का मतलब मोबाइल का यूज करके क्लिक करके हम कहीं की भी कोई भी चीज हम देख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं हम इससे बहुत सारा। चलता फिरता कंप्यूटर है आपका जो मोबाइल फोन है, और यूज है इसका आपके प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट से, रॉकेट का यूज करना किसने सिखाया आपका, फिजिक्स की देन है ये भी आपकी। हेलीकॉप्टर्स बन गए आपके, एडवांस टेक्नोलॉजी के आपके फाइटर प्लेन्स आए हुए हैं, जैसे इंडिया में भी आया आपका राफेल 4.5 जनरेशन के, 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं आपके, मिसाइल्स हैं आपकी, उसके बाद फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन में है, जर्नी में है। हम पहले बैलगाड़ी का यूज करते थे आने जाने के लिए, साइकिल आए, फिर आपके स्कूटर आए, बाइक आई, फिर गाड़ियाँ आई आपकी नई नई मॉडर्न टाइप की। आज के टाइम पे एक से बढ़ के एक गाड़ी आई हुई है जनरेशन की, 5th जनरेशन की आपकी। तो ये किसकी देन है आपकी, फिजिक्स की देन है। पहले सफर हमारा बहुत लंबा होता था, डिस्टेंस कम टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन आज के टाइम में क्या आपका मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, गाड़ी आ रही है बहुत ज्यादा स्पीड की आपकी, तो डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन टाइम कम हो गया, यानी हमारी जर्नी क्या होगी, छोटी होती जा रही है जर्नी। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है
तो व्हीकल का यूज करके या ट्रांसपोर्ट का यूज करके क्या हम बहुत कम टाइम में जा सकते हैं, जो कि एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा टाइम खराब होता था हमारा। अगर हमने थोड़ी सी भी डिस्टेंस पे जाना होता था तो बहुत टाइम लगता था हमारा वहां जाने में कवर करने में। तो ये सब आपकी फिजिक्स की देन है, जो आपका टाइम कम लगता है जर्नी में। सुविधाएं होंगी हैं आजकल, गर्मी ज्यादा लगती थी, आजकल फैन के बाद कूलर आए, कूलर के बाद एसी आए, फिर एसी और फैन भी ऐसे आने लगे जो इन्वर्टर से चलते हैं, आपके कम लाइट कंज्यूम करते हैं। पहले आपके येलो लाइट वाले बल्ब आते थे 100 वाट का यूज करते थे, फिर आपकी ट्यूब आई, एलसीडी ट्यूब आई आपकी, फिर उसके बाद एलसीडी वाले बल्ब आए आपके, उसके बाद क्या आए फिर आपकी एलईडी के बल्ब आए हुए आज, जिनमें सेमी कनेक्टर यूज होते हैं, बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं आपके। तो फिजिक्स का एरिया क्या आपका बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। दूसरा आपका चिप आई थी, सभी को पता है जब आपकी चिप आई, चिप यानी मेमोरी कार्ड बोलते हैं जिसको फोन में यूज होता था, पहले बहुत बड़े साइज का आता था ये आपका, आजकल छोटे ही साइज में मेमोरी बहुत ज्यादा आती है आपकी, 16 GB, 32 GB, 64 GB के कार्ड रीडर इतने ही साइज के आपके छोटे ही में यूज होते हैं। सिम कार्ड का यूज करते हैं, सिम कार्ड में पूरी इंफॉर्मेशन आपकी लगभग, ये भी ज्यादा साइज बड़ा बना दिया होगा, इस चिप में होती है आपकी। एक जस्ट आपका डॉट होता है इतने ही साइज का, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है आपकी, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस नंबर पे आपने फोन मिला, सभी आपकी इसके थ्रू क्या है रिकॉर्डेड होती जाती है आपकी, ट्रेस होती जाती है आपकी। आपको पता है क्रिमिनल्स हैं ज्यादातर किसके थ्रू पकड़े जाते हैं आपके, मोबाइल फोन के थ्रू पकड़े जाते हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है आपके, नंबर को ट्रेस करते हैं सिम कार्ड को। सेटेलाइट का यूज कर रहे हैं, इंडिया है हर रोज सेटेलाइट भेज रहा है, दूसरे देशों को भी सेटेलाइट भेजता जा रहा है, आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तो किसके कारण पॉसिबल हुआ आपका, फिजिक्स के कारण पॉसिबल हुआ है आपका। तो ये फिजिक्स की देन है हमारी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े हैं नाइन टेंथ क्लास में, ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल दोनों आपके कौन सी बॉडीज के लिए होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये दोनों आपके किससे रिलेटेड है, आपके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। और दूसरे जो दो फोर्स आपके, एक तो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस दूसरे आपके वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये किसे जुड़े हुए हैं आपके, रिलेटेड हैं आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। बाकी जितने भी फोर्स निकले हैं आपके उन सभी का बेस यही है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है आपके। तो चार आपके फंडामेंटल फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम, ये आपका बेसिक पार्ट ही है, एक लेक्चर और लगेगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।